और अभी थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ने लगी मेरी। मेट्रो का काम नहीं है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा, जो जिसने ये अपना ये कैफे बनाया था भाई, उसके भी भाव चढ़ गए अब। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई 14 अगस्त है, कल है स्वतंत्रता दिवस। तो उससे पहले भाई स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए तो खैर नहीं है होता कभी भी, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, देश के लिए तो है पर जो मैरिड लोग हैं उनका स्वतंत्रता दिवस तो भाई जिस दिन से शादी हो जाती है उसके बाद से उनका स्वतंत्रता दिवस खत्म हो जाता है। झगड़ा ही ना कर लो उस बात। झगड़ा नहीं, मैं सच बात बोल रहा हूँ। अगर सच नहीं बोल रहा तो भाई आप बताओ कमेंट करके मैं गलत बोली है तो बात। मेरा भी बड़ा मन कर, और जो अनमैरिड है बस वो तो स्वतंत्र रहते हैं भाई, वो तो स्वतंत्र हैं हमेशा, और जो मैरिड है वो थोड़े से बंध जाते हैं भाई चीजों में। तो खैर चलो ना, कोई और बांधता है उनको, है ना। पहले तो खुद ही इतनी तगड़ी बारात सरात लेके जाते हो, अपनी आजादी को उन्हें तो हम क्या करें। हम भाई यार ये भी है, दिक्कत तो हमारी ही है ना। तो जी अभी चलते हैं, आज लगते हैं अपने और कामों में, कई सारे काम होने वाले हैं आज, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जैसा पिछले उसमें मैंने आपको बताया भाई, जो रेस्टोरेंट हम ओपन कर रहे हैं अभी उसमें लगे रहेंगे कामों में, चीजें हो गई, सफाई वफाई हो गई अब वहाँ पे, अब चीजें समझ में आने लगी कि क्या क्या करना है कैसे करना है। पहले तो दिमाग ही घूमा पड़ा था उसको, हाँ। देख के कि क्या कहाँ से शुरू होएगा, फिर मैंने सोचा कि पहले साफ करते हैं तो चीजें क्लियर होंगी कहाँ कहाँ काम होना है। बिल्कुल, तो अभी चलते हैं पहले मार्केट, बहुत सारी चीजों के ऑर्डर दे के आने हैं, और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं साथ के साथ, तो वो भी आपको ना पता चल जाएंगे धीरे धीरे। पहले काम कर लेते हैं, कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्या बताते हुए अच्छा लगता है, पहले से ढिंढोरा पीट दो और उसके बाद में हो कुछ ना तो फिर पता चला वो अच्छा ही लगता है ना, अपने आप को मायूसी होती है। हाँ चलो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग, दिखाते हैं और वेदर उधर भी बताएंगे आपको, सारा अपडेट देते रहेंगे साथ के साथ अपने काम करते करते। अपना काम भी रुकना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं रुकना चाहिए और आपका एंटरटेनमेंट भी नहीं रुकना चाहिए, तो सब चीज चलते रहनी चाहिए ना, ट्राई तो पूरा करेंगे। हाँ तो जी वेदर तो अब बहुत बढ़िया हो गया, रात बारिश हुई थी थोड़ी सी, रात मतलब 11 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास बरसात हुई थी, 10:30। हाँ तो भाई उस टाइम के बाद में फिर बारिश नहीं हुई, हल्की हल्की सड़क गीली दिख रही है उसी की वजह से दिख रही है, बाकी मौसम अच्छा हो गया। अभी जो 15 अगस्त पे घूमने आ रहे हैं भाई उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है इस टाइम पे, मतलब गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, बरसात भी नहीं है, ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत मिलती है वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए, बहुत ऐसा नहीं है फुल टाइम ह्यूमिडिटी मिल रही है आपको, पंखे में भी आप आराम से ना रह सकते हो, हवा भी चल रही है अच्छी ठंडी हवा है। चलो जी चलते हैं, पहले चावड़ी जा रहे हैं हम सीधे अभी, और कैफे के सामान भी लाने हैं साथ के साथ। तो जी हम आए हुए थे यहाँ पे, यहाँ से हमने ले लिया स्टील का सामान, लगभग मोटा खर्चा मोटा खर्चा जो था वो हमने यहाँ से करा है, बहुत ही बढ़िया आदमी है और काफी रीजनेबल रेट रहते हैं इनके। हाँ यहाँ पे आप एकदम कानकोण में किसी भी से भी पूछ सकते हो, खंडेलवाल स्टील वाले बोल दो मिल जाएगा आपको, कोई भी बता देगा किधर है। तो जी नई लाइन का काम चल रहा है, तो जी काम इधर भी देखो बारिश से रुकते ही ना चलने शुरू हो जाते हैं, अभी लाइन का काम चल रहा है पूरा जो अभी तक पेंडिंग पड़ा था इलेक्ट्रिसिटी का, और जी बाकी अपने सारे सामान लिया है, सारा ऑर्डर दिया है, जो भी सामान वामान आने हैं और भी कई सारी चीजें हो रही है तो उनके लिए बोल का आए हैं। हाँ तैयारियां चालू हैं, हाँ बाकी जी मार्केट से सामान भी लिया है, अपना कैफे उफे का सारा कुछ हो गया काम, अब चल के लगते हैं दूसरे कामों पे कैफे के, आज मोनिका को बहुत ज्यादा काम है, मोनिका बहुत बिजी रहने वाली है आज, है ना, ऑलमोस्ट सारी सामान रेडी करने हैं। नहीं सारे तो नहीं रेडी करने, पर आज काम इधर का ज्यादा है ना, फिर वो सामान आ जाएगा, फिर वो भी उतरवाना है इधर रखवाना है उसको, पिज्जा सॉस बनी हुई है। अब देखो मैं एक मालिक की तरह ऑर्डर देता हूँ कभी कभी मोनिका को, पर फ्रीडम फ्री नहीं हूँ मैं, फ्रीडम नहीं है मुझे।
अगर इनको पूछ लोगे ना कि एग्जॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है, मेरे को पूछ रहे हैं, हाँ बन गई वो ठीक है, खुद को भी तो कुछ आना चाहिए थोड़ा सा। आता है मुझे, सब कुछ आता है, सीख जाऊंगा ना, अभी दूसरा रेस्टोरेंट स्टार्ट होगा वहाँ पे साथ में ही रहूंगा। फिर तो लोग अपने रिस्क पे आएंगे भाई। नहीं नहीं, अच्छा खाना खिलाएंगे तो फिर क्यों रिस्क पे आएंगे, वो टेस्ट के लिए आएंगे फिर। चलो जी पहुंच गए हम घर, लगते हैं काम उम में, थोड़े बादल हो गए हल्के से ना, आज हल्के हल्के बादल हैं, जैसे कड़क धूप थी दो दिन से वो आज नहीं है उतनी कड़क, सुबह में निकली थी पर अब फिर कम हो गई। तो जी लगभग 3 बज गए और ये पीछे का बैकयार्ड है अपना, यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत तेज़, ये इधर की तरफ ना यहाँ पे कट रही है घास, तो ये जो घास लंबी है ना उसके काटने के लिए मशीन बुलवाई आज संतोष भाऊ ने इधर, और वो कटिंग शुरू हो गई है पूरी, तो ये सफाई हो जाएगी अब ये पूरा, 2-3 दिन से जैसे बारिश नहीं हुई ना ज़्यादा तो फिर ये काम सारे ना हो जाते हैं, और अभी बारिश नहीं हो रही तो अपने भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे क्या कैफ़े के काम हो गए, नया रेस्टो है उसके भी काम भाई चल ही रहे हैं, अगर बारिश होती तो वो सब काम ठप होते। वो सामने बंदा है उधर काट रहा है, इधर आएगा तो दिखाऊंगा भाई, यहाँ पे है इधर की तरफ, यहाँ से पेड़ों में नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। तो ये घास है ये कट रही है आज पूरी, यहाँ पे कटिंग हो रही है, यही भाई साहब है जिन्होंने कि अजगर को भी अजगर के ऊपर चला दिया था ये एक बार, हाँ 2 साल हुआ भाऊ है ना, 25 किलो अजगर मिला था यहीं पे, थोड़ा और आगे घर के एकदम पीछे। तो ये चलती है कटिंग, उधर उसमें ब्लेड लगे होते हैं और यहाँ से पूरा कंट्रोल करते हैं इधर से, इस साइड से ये हो गया स्टार्ट। ये मुंह पे देखो जाल वाल सब लगाते हैं ताकि घास कट के ना आँख उख में ना जाए उसका तिनका कुछ, ये पूरा लगा के तब चलते हैं। बहुत तेज मारता है, ये देखो सारी घास कट गई है पूरी इधर की और इधर भी कट गई, हटो एकदम से घास की कुट्टी सी कर देती है मशीन। तो जी लगभग 5:30 का टाइम है शाम का, और जी अपने सामान आ चुके हैं, तो आज सुबह से जिस काम में लगे हुए थे सारे सामान आ गए हैं भाई, ये जो सुबह सुबह हम सामान लेने गए थे जो मैंने वो बताया था स्टील वालों के यहाँ, मतलब लोहे का सामान जो देते हैं उनके पास गए हुए थे। तो जी ये आया है, बहुत सारा पाइप है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अब इसका क्या होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये इतना सामान है जो आया है, अभी उतरवा दिया सारा कुछ, बाकी हवा चल रही बड़ी अच्छी, हल्के हल्के बादल हो गए शाम के टाइम में आज, नहीं तो वेदर बड़ा मस्त हो रखा था आज दिन में, अभी भी बड़ा अच्छा हो रखा है, धूप भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, हवा चल रही है आज बड़ी अच्छी, नहीं तो कई बार ह्यूमिडिटी हो जाती थी शाम के टाइम में, ऐसा कुछ हो रखा है भाई। बाकी अपना कैफे ओपन है और जी लगे हुए हैं काम में, बस मोनिका गई है अभी पानी उनी लेकर आएगी। तो जी ये आ गया अपना सारा सामान ऑलमोस्ट, और अभी थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ने लगी मेरी क्योंकि मोटा खर्चा करके आए हैं, और मोटा खर्चा हो जाता है तो फिर टेंशन बढ़ती है भाई, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीज़ें जैसी सोची वैसे हो जाएंगी कि नहीं होंगी। तो जी अभी इसको लगवाना है, क्या बनने वाला है इससे अभी वो सारा कुछ आपको जो है अगले आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा, क्यों इतना सारा सामान आज खरीद के लाए हैं, पर हाँ अब उसको टेंशन है अगली वाली कि भाई कब तक ये रेडी होगा, जो मेरा प्लान है वो कब तक सेट हो जाएगा पूरा, और वो मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। देखो हम अगले टारगेट लेके चले हैं हम 1 सितंबर का इसका, हाँ तो 1 सितंबर में ही रेडी कर देना है सब कुछ, बाकी देखते हैं 1-2 दिन ऊपर नीचे चल जाता है वो कोई बड़ी बात नहीं। ये उसका नहीं है, रेस्ट्रो का काम नहीं है, ये दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा, हाँ,
जो अलग मैं कुछ और स्टार्ट करने वाला हूँ, कभी ये सोचो कि रेस्टोरों में लगने वाला है, वहाँ नहीं लगने उधर ही पड़ा होता। हाँ तो उधर ही उतरता है, तो इसे ना कहीं अलग और यूज होने वाला है, और क्या होने वाला है वो सारा कुछ आपको जो है बता देंगे। एंड होपफुली ना सारी चीजें सेट होंगी जैसे क्या सोचा है, बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। बाकी वही सब ऊपर वाले के हाथ में है, हो ही जाएगा, मेहनत में लगे हुए हैं तो कर ही लेंगे, तो हो ही जाता है। देखो थोड़ा सा ना अभी इधर क्या है, लेबर का थोड़ा सीन है जैसे, और मतलब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सबके काम एक साथ शुरू हो जाते हैं। अभी ये सीजन है यहाँ पे, हर किसी पे मतलब जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो भी लेबर है, सबके ऊपर बहुत लोड, वर्क लोड है इस टाइम पे। हाँ सबको रिपेयर करना पड़ता है, जैसे सीजन मतलब शुरू होने वाला होता है, बारिशें जाती हैं तो एक तो घरों में भी बहुत सारी रिपेयरिंग निकलती है। हाँ। ऊपर से यहाँ तो बीच है, यहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस हैं तो सबका काम चालू हो जाता है। बिल्कुल, और अभी क्या है वो सीमेंट वेंट लगवाने के लिए भी मिस्त्री ढूंढने बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं। बड़ा सोचो सीमेंट लगवाने के लिए लोग ढूंढते फिर रहे, कोई मिल नहीं रहा। हाँ, और आजकल तो हमारे वो भी जो जिसने ये अपना ये कैफे बनाया था भाई, उसके भी भाव चढ़ गए अब, वो नहीं बात करता, वो भी कह देता है, गोली दे देता है कि हाँ कल आऊंगा परसों आऊंगा। संतोष भाव कई दिन से बोल रखे थे, आज किसी और को बुलाया फाइनली उन्होंने भी, तो खैर चलो हो जाएगा, काम भी कर ही लेंगे कैसे जैसे तैसे करके, और सब सेट हो जाएगा तो एक बार फिर दिखाएंगे आपको क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं भाई। पहले से रिवील नहीं कर रहा अभी चीज़ें, पर आपको धीरे धीरे दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें। सो गाइस चलो, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।